नमस्कार दोस्तों, विधि विधान चैनल में आपका सबका स्वागत है। राम राम, जय माता दी, जय गुरु महाराज। आज नीम करोली वाले बाबा की कृपा से एक विचार मन में आया, जो मेरे साथ घटना हुई है सत्य, वही मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उसको सुनकर शायद आप लोगों के मन में भी कुछ भाव जागृत हो, तो फिर शेयर करिएगा हमारे इस विधि विधान चैनल पर। बात यह है कि बहुत लोगों के मुंह से खाटू वाले श्याम का नाम हमने सुना, उनकी महिमा का मखान लोग वाक करते, कहीं पढ़ा भी। इस प्रकार से मन में एक बात आते गई कि अब ये सब लोग कह रहे हैं, अपन सुन रहे हैं, अपने मन में विचार आया कि नीम करोली वाले बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा ये श्याम खाटू वाले बाबा कहाँ पर हैं, कैसे हैं, वहां हम दर्शन करने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बहुत दूर यहाँ से, हमारे निवास स्थान शहर से बहुत दूर है। इस प्रकार मन में विचार आते जाते रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारे भांजे जो होशंगाबाद में रहते हैं, उन्होंने विचार किया, अचानक हमसे बोले कि श्याम खाटू वाले बाबा का दर्शन करने चलना है। हम सपत्नी तैयार हो गए, अचानक हमें नहीं मालूम कैसे क्या, यहां से लगभग 1100 किलोमीटर दूर खाटू स्थान पर श्याम बाबा का बहुत चमत्कारिक मंदिर है, जिसका कभी हमने कल्पना नहीं करी थी कि हम वहां पर पहुंचकर उनके दर्शन करेंगे। पहुंचे, बाबा जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से, नीम करोली वाले बाबा की कृपा से लाइन देखी विशाल। हमने सोचा अब कावानों कब नंबर लगता है दर्शन का बाबा मन में, और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती गई, हम लोग आगे बढ़ते गए, शाम की आरती का समय हो गया। जैसे ही वहां माइक पर आरती शुरू हुई, हमें ध्यान नहीं रहा, इतने रोमांचित, पूरा शरीर रोमांचित हो गया, ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए हों। धीरे धीरे करके बाबा के मंदिर के सामने खड़े हुए, हमें मालूम नहीं कब पहुंच गए वहां पर, इतनी भीड़। तो ऐसे नीम करोली वाले बाबा जी की यह विशेष कृपा, जिसकी हमने कल्पना नहीं करी थी कि हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, यहां से बहुत दूर, कोई साधन नहीं, और वहां से दर्शन करके लौट के भी आ गए, और हमें आभास नहीं हुआ कि हम इतने 1000-2000 किलोमीटर चलकर हम लोग आए हैं। ऐसे हैं हमारे नीम करोली वाले बाबा, और वहां पर जो हमने चमत्कार देखा, उनकी कृपा, आज भी श्याम खाटू वाले की कृपा बरस रही है, सभी लोगों के ऊपर उनकी कृपा हो। एक आप लोगों ने उनकी कथा सुनी भी होगी, महाभारत के पांडवों में भीम, उनके पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्वरीक, जिनकी अवस्था उस समय जब महाभारत चल रही थी उस समय 10-12 वर्ष की अवस्था थी बर्वरीक की, उन्होंने अपनी माँ के मुंह से महाभारत की बात सुनी, और वो एक दिन माँ से बोले कि माँ मैं भी महाभारत देखने जा रहा हूँ, जाऊंगा। माँ बोली ठीक है चले जा। उनने तीर कमान और तीन तीर अपने तरकस में रखे और तीर धनुष बाण को लेके वो जाने लगे। माँ बोली कि बेटा जा रहा है देखने, लेकिन तेरे मन में यदि युद्ध में लड़ने की इच्छा हुई तो तू किसकी तरफ से लड़ेगा। उसने बोला माँ आप बता। माँ बोली कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से तुमको लड़ना है, और उनके बर्वरीक के तीन बाणों में इतनी शक्ति थी कि वह ब्रह्मांड के किसी भी योद्धा को हरा सकती थी। एक ही तीर में लाखों करोड़ों सैनिकों को सेना सहित नष्ट खत्म कर सकती थी, ऐसी उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। जल्दी है वो इधर भगवान कृष्ण को तुरंत आभास हो गया
कि बराबरी चल दिया है यदि और हार रहे हैं दुर्योधन की सेना, तो निश्चित रूप से बराबरी उनकी तरफ से लड़ेगा। तो भगवान ने धर्म की स्थापना हेतु कुछ ऐसे कार्य करे जिससे कि अधर्म ना हो। वह ब्राह्मण का वेश बना करके बराबरी के सामने पहुंच गए। बोले कि ब्राह्मण बालक कहाँ जा रहे हो और ये धनुष बाण तीर, कि मैं महाभारत का सुना है मैंने, तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ और जो हारेगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। क्योंकि तुम लड़ोगे, तीन तीर है तुम्हारे पास, तीन बाण है मात्र। महाराज एक ही बाण काफी है, तो कैसे, तो मैं कैसे मान लूं। भगवान ब्राह्मण वेश में बोले कि कैसे मानूं। तो उन्होंने कही कि ठीक है, मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। एक विशाल पीपल का वृक्ष था, उन्होंने एक बाण चलाया, पीपल के पूरे पत्ते छिद गए। भगवान ने उसके साथ छल किया थोड़ा, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, बाण आके उनके पैर के ऊपर रुक गया। वो बालक बोले बरबरी, महाराज आप अपना पैर हटा लें, नहीं तो आपके पैर में। तो भगवान ने पैर हटा लिया, लेकिन वह पत्ता नहीं छिद पाया। बोले कि तुम इसमें फेल हो गए। तो महाराज अभी मेरे पास दो बाण हैं, आप मेरे से जो भी आप प्रमाण लेना चाहते ले सकते हैं। मेरी माँ ने बोला कोई ब्राह्मण मिले तो उसको दान भी करना है, दान से पीछे मत हटना। भगवान बोले कि क्या दान करोगे, मैं भीम का होता हूं, जो मुंह से बोल दूंगा वचन दूंगा वो दे देता हूं। भगवान ने तीन बार बुलवा लिया और बोले कि बेटा तुम अपना शीश मुझे दान दे दो। उन्होंने देर नहीं करी, शीश काट के भगवान के सामने रखा और बोले कि आप पहले ये बता दो आप हो कौन। भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और फिर वरदान दिया कि तुम महाभारत देखने आ रहे थे, तुम जाओ, तुम्हारा शीश ये महाभारत देखेगा और आने वाले समय में युगों में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से। तो ऐसा उनका वह सिर कालांतर में खाटू ग्राम की भूमि में किसी किसान के खेत में वह मिला। उस स्थान पर आज भी भगवान खाटू श्याम के नाम से मंदिर है, वहां पर सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री श्याम खाटू वाले।